तो वहीं प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों के लिए सौगात दी है। उत्तर प्रदेश के जो भी खिलाड़ी ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियाड खेलों में हिस्सा लेंगे, अगर वह कोई पदक पाते हैं तो उनके राजपत्रित अधिकारी की नौकरी उत्तर प्रदेश सरकार में दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में फैसला पास कर दिया है और इसी से जुड़े कई मुद्दों पर उत्तर प्रदेश सरकार के खेल और युवा कल्याण मंत्री गिरीश यादव ने एनबी न्यूज़ से खास बातचीत की, सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में जो हाल ही में यह बैठक हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया है। वो क्या निर्णय है हम जानते हैं खेल युवा कल्याण मंत्री गिरीश यादव जी से। गिरीश जी, कल एक कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें खिलाड़ियों के लिए, जो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं उनके लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया, क्या है वो निर्णय? माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ी जो विजेता उनके लिए सरकारी नौकरियों में समायोजन के लिए कल जो है कैबिनेट में मंजूरी मिली है और ये जो पद है हमारे 9 विभागों में से 24 पद लिए गए हैं। ये लोक सेवा आयोग की परिधि के पद है लेकिन इसको लोक सेवा आयोग की परिधि से हम लोग ने बाहर किया है, उनकी सहमति से बाहर किया। एक तरह से कहा जाए कि पहले देश में, राजस्थान में भी, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, बिहार में खेल से जीते अंतर्राष्ट्रीय खेलों से जो विजेता थे उनको नौकरियां उन वहाँ के प्रदेशों में दी जाती थी लेकिन उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत एक तरह से कहा जाए कि गंभीरता से लिया। इस मंजूरी से और जो अब सरकारी लोगों को नौकरियां मिलेंगी, खेल को एक तो बढ़ावा मिलेगा, युवा भी खेल से जुड़ेगा और एक तरह से कहा जाए कि उत्तर प्रदेश के लिए, खेल के लिए और खिलाड़ियों के लिए बहुत ऐतिहासिक फैसला है। इससे पहले ये देखा गया है कि जो भी कांस्य पदक या स्वर्ण पदक या रजत विजेता होते थे उनको एक पुरस्कार राशि एक दी जाती थी, क्या वो पुरस्कार राशि के बदले ये नौकरी दी जा रही है या उसके अलावा ये दी जा रही है? वो तो वो जो खेलों में जो पुरस्कार के नियम है वो तो होते रहेंगे लेकिन उनके लिए, क्योंकि वो देश का उन्होंने सम्मान बढ़ाया, प्रदेश का सम्मान बढ़ाया और एक आयु की सीमा होती है खेल के लिए, उस आयु के बाद उनके जीवन में जो है संकट उत्पन्न होते हैं, तो इसलिए सरकार ने जैसे और प्रदेशों के तर्ज पर इसको अपनाकर जो है यहाँ करने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने टाइम फ्रेम किया गया है कि किस समय के ये विजेताओं को नौकरी दी जाएगी? ये टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम की बात मैं चर्चा आपको बता देता हूँ। हमने वहाँ भी बताई थी इस टाइम फ्रेम की चर्चा जो है 1/9/2020 को या उसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीत चुके खिलाड़ी नियमावली के अधीन भर्ती में लिए जाने विचार किए जाएंगे। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुंचे, इसके लिए सभी मंत्री जनता के दरबार पहुंच रहे हैं और आगे भी पहुंचते रहेंगे। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, एनबी न्यूज़ लखनऊ।